नमस्कार दोस्तों, फिर से पार्ट फाइव का जो ये वीडियो है दैट इज अबाउट ऑक्टाहेड्रल फील्ड। दोस्तों, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन एन ऑक्टाहेड्रल यानी कि सीएफटी का जो चैप्टर है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके अंदर डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग, जिसमें अगले वीडियो में मैंने बताया था टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल फील्ड यानी कि अष्टफलकीय जो क्षेत्रीय रचना बनती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर, उसके अंदर उसका शेप कैसा बनेगा, उसकी ज्योमेट्री कैसी बनेगी और डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग किस तरह से बनेगा, ये सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर जब ऑक्टाहेड्रल फील्ड बनता है तो ML6 टाइप की ज्योमेट्री बनती है, यानी कि मेटल आयन जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके सराउंडिंग 6 लिगेंड यानी कि 6 लिगेंड बिल्कुल ऑन द एक्सिस ओरिएंट होते हैं, बनते हैं। अगर हम गौर से देखेंगे तो सभी 6 लिगेंड जो है ये सभी 6 लिगेंड ऑन द एक्सिस आते हैं और ऑन द एक्सिस यानी कि एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में एक्सिस के ऊपर ही सभी 6 लिगेंड मेटल की डी ऑर्बिटल्स के साथ इंटरैक्टिव होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो ईजी ऑर्बिटल ज़्यादा प्रभावित होगी, जो लिगेंड के सामने आएगी वही ऑर्बिटल ज़्यादा प्रभावित होगी। तो बिफोर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन ये पांचों डी सबसेल है मेटल आयन की, केंद्रीय मेटल आयन जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी पांचों डी ऑर्बिटल दे आर ऑलरेडी डी जनरेटेड यानी कि सम शक्तीय है, सभी सबसेल की एनर्जी सेम होगी। तो जब डी ऑर्बिटल के सामने सभी 6 लिगेंड आएंगे तो तुरंत डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग शुरू हो जाएगा और ये स्टेबल तब होगा जब ईजी ऑर्बिटल जो है ये दोनों, जिसको हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर बोलते हैं क्योंकि डबली डिजनरेटेड ईजी ऑर्बिटल, ये और T2G ऑर्बिटल यानी कि बिटवीन द एक्सिस जो है डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, ये तीन ट्रिपली डिजनरेट T2G एंड डबली डिजनरेट ईजी ऑर्बिटल्स, ये दोनों की एनर्जी का कम्प्लीटली ये डिफरेंस हम देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा तफावत उत्पन्न हो जाता है। तो कहाँ तक वो डिफरेंस चलेगा तो हम देख सकते हैं कंप्लीट जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ पर ईजी ऑर्बिटल्स यानी कि डबल ए डिजनरेट जो है उसकी एनर्जी +3.5 डेल्टा ओ बन के वहाँ पर स्टेबल होगी, यानी कि उसकी एनर्जी में ज़्यादा इजाफा होगा, इंक्रीज होगी। हालांकि T2G ऑर्बिटल जो है उसमें तीन ट्रिपली डिजनरेट है तो ये तीन जो सबसेल है उनकी एनर्जी, क्योंकि ये बिटवीन द एक्सिस होगी और बिटवीन द एक्सिस कोई लिगेंड आने वाला नहीं है ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर, तो उसकी एनर्जी जाहिर सी बात है बहुत डिक्रीज होगी और ये डिक्रीज होगी और जहाँ पर स्टेबल होगी वहाँ पर यहाँ पर हर एक प्रत्येक T2G ऑर्बिटल जो है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड उसकी एनर्जी -2/5 डेल्टा ओ रहेगी और डिफरेंस बिटवीन ईजी एंड T2G ये डिफरेंस जो है वो डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल यानी कि डेल्टा ओ जिसे हम यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन ईजी एंड T2G बोलते हैं। तो इस तरह से डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल फील्ड में होता है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, ये 5 डिजनरेटेड डी ऑर्बिटल से, लेकिन जब उसके सामने लिगेंड आते हैं और वो भी ऑन द एक्सिस की डिरेक्शन में लिगेंड आते हैं तो इस तरह से ईजी ऑर्बिटल ज़्यादा प्रभावित इन्फ्लुएंस होती है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ये T2G ऑर्बिटल्स ये तीन जो ऐसी है डी एक्स वाई वाई जेड एंड डी एक्स जेड ये बिटवीन द एक्सिस है,
वो बिटवीन द एक्सिस कोई लिगेंड उसके सामने नहीं आएगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज द स्केमेटिकल डायग्राम ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टेटल फील्ड. अब इसको दोस्तों हम सेंटेंस में बोलना चाहे तो डेल्टा ओ और टेन डी क्यू, यानी कि जो ये डिफरेंस है डेल्टा ओ उसकी वैल्यू हम टेन डी क्यू बोलेंगे. डेल्टा ओ इज इक्वल टू टेन डी क्यू, यानी कि डेल्टा ओ भी बोलेंगे टेन डी क्यू भी बोल सकते हैं. ये क्या है? द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन द टू लेवल्स. टू लेवल्स कौन से हैं? टी टू जी और ई जी एंड ई जी. और दूसरा सेंटेंस जो है, हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी, द ई जी ऑर्बिटल्स आर रिपेल्ड बाय एन अमाउंट ऑफ प्लस 0.6 डेल्टा ओ, यानी कि प्लस 3/5 डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी प्लस 0.6 डेल्टा ओ, डी जेड स्क्वायर की एनर्जी भी प्लस 0.6 डेल्टा ओ. जबकि यहाँ पर डी एक्स वाई की एनर्जी होगी माइनस 2/5 या फिर माइनस 0.4 डेल्टा ओ, इसकी भी माइनस 0.4 डेल्टा ओ, इसकी भी माइनस 0.4 डेल्टा ओ. तो इस तरह से हम एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. देन द टी टू जी ऑर्बिटल्स टू बी स्टेबिलाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ माइनस 0.4 डेल्टा ओ. तो इस तरह से अगले वीडियो में मैंने टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसे होता है, उसका डिफरेंस कहता हो डेल्टा टी कितना होता है, उसका स्प्लिटिंग करने के बाद क्यों ई जी ऑर्बिटल नीचे स्टेबल होती है, क्यों टी टू जी ऑर्बिटल ऊपर यानी कि इन्फ्लुएंस्ड होती है, एनर्जी बढ़ जाती है, उसके बाद डेल्टा टी और डेल्टा ओ के बीच का डिफरेंस जो है, रिलेशनशिप है बिटवीन डेल्टा टी एंड डेल्टा ओ, वो भी बताया. इस वीडियो में मैंने स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड ये भी बताया. हर एक ई जी एंड टी टू जी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में वो प्लस 0.6 फॉर ई जी एंड माइनस 0.4 फॉर टी टू जी ऑर्बिटल्स. तो ये सारी बातें मैंने बहुत अच्छी तरह से बहुत सिंपली आपको समझाने का प्रयास किया है. दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी अगले वीडियो की तरफ बहुत अच्छा लगा होगा. उसको ज़रूर 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 लाइक कीजिए, सभी ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए. और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द उसको सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिए, ताकि मैं हर एक वीडियो आपकी ओर पहुँचा सकूँ. तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार.